गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। एक नया दिन, एक नई सुबह। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पे करने का तरीका है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन इंडिया। तो एक बार फिर से मैं रिएक्शन इंडिया पर एक नई वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन काफी ज्यादा कह सकते हैं शॉकिंग होने वाला है। आप सभी को पता है जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 का, और इसमें जो है काफी सारी जो है क्रिकेटर अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में आए हुए हैं। तो इसी में जो है एक पाकिस्तानी रिपोर्टर भी साथ में आए हुए थे कवर करने के लिए पूरे इस सिनेरियो को, पूरे मैच को। तो उन्होंने यहाँ पे आके कुछ शॉकिंग पाया, और वो शॉकिंग था इंडियन यूपीआई सिस्टम। आप सभी को पता है हम लोग डेली रूटीन में जो है, एज अ इंडियन होने के नाते हम डेली रूटीन में यूपीआई का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। हम कैशलेस हो चुके हैं लगभग 95%। तो 95% कैशलेस होने के बाद अगर कोई दूसरे कंट्री से आता है और हमारे इस डिजिटलाइजेशन को देखता है तो लाजमी है कि शॉकिंग होना बनता है। तो देखते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया थी पाकिस्तान के इस महाशय के रिपोर्टर की, कि इन्होंने यूपीआई सिस्टम को देखा तो इनको कैसा लगा। तो लेट्स गो टू वॉच द वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। एक नया दिन, एक नई सुबह। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पे करने का तरीका है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। पाकिस्तान की मीडिया में सबसे बड़ा झूठ यही चलाया जाता है। हाँ। यही दिखाया जाता है, यही छापा जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब है। वहाँ के लोग गुर्बत से भी गुर्बत भरी जिंदगी जी रहे हैं। 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, ये पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की आवाम को बताती है। लेकिन जब वही पाकिस्तानी भारत आता है तो भारत की ताकत को जय श्री राम करता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। ये पाकिस्तानी पत्रकार है अब्बास साबिर अली। ये वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए हिंदुस्तान आए थे, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद में जब इन्होंने देखा यूपीआई, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, पान वाला, टपरी वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, तांगे वाला, हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बंदा हैरान हो गया, शोक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूपीआई नहीं है। और QR कोड की फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर या तो 5-स्टार होटल्स के अंदर है या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर है, नॉर्मल जगह देखने को नहीं मिलती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार पूरी तरीके से हैरान हो गया है कि ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, जबकि इन पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि भारत 2016 से UPI इस्तेमाल कर रहा है, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाके इसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। सही बात है। तो इस पाकिस्तानी पत्रकार ने अपना एक्सपीरियंस अपने पाकिस्तानियों के साथ शेयर किया है और इतना हैरान हो गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। अरे नहीं, आज हम पाकिस्तानी को इंडिया बुलाएंगे, तो चलते हैं। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट डिलीवर हो जाती है उस शॉप तक या उस रेडी तक जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं वो तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि भारत में, बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। सभी स्टेट्स में रेडी से अगर आपने पकौड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे इस ऑटो में, और साथ साथ ऑटो पे भी है, फ़ोन के ज़रिए आप राइड बुक करते हैं। बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे, हर बंदा फ़ोन के ज़रिए राइड बुक करता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो चाहे वो कैब हो। बड़ा फास्ट सिस्टम है यहाँ पे, देखें ये अब हम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे हैं और ये ऑटो रिक्शा ने ये अपने सामने लोकेशन लगा ली है। ये रेयर नहीं है, बड़ा कॉमन है यहाँ पे। अब हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखें ये डायरेक्शन उन्होंने लगा ली है। हर रिक्शे के हैंडल के ऊपर इस तरह का एक स्टैंड लगा होता है और पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपने कितना पे करना है। जो उस्मान साहब हमारे चूँकि टेक्निकल इंजीनियर हैं बड़े अच्छे, तो वही ऑटो वगैरह मंगवाते हैं और उन्हीं की वजह से हम ये सहूलत
यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है, पेटीएम एक्सेप्टेड है, यानी अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे करें और चीज़ ले लें। ये यहाँ पे हर जगह पर हर शॉप पे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक नया सिस्टम इसलिए कि वहाँ पर इतना एडवांस अभी सिस्टम नहीं आया कि छोटी छोटी शॉप के ऊपर भी, रेडियो के ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हों। ये शॉप है, ये देखें ये, और यहाँ पर ये पे लगा हुआ है। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ और भी जगह पे दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे ये है। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। यानी आपने अगर एक रुपए की चीज़ ख़रीदनी है, आपने ये ख़रीदना है, आपने ये ख़रीदना है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये फैसिलिटी आपके पास है, आप यहाँ पर ये पे करें। ये ऑल इंडिया ये सिस्टम चल रहा है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। हमने देखा, क्योंकि हमारे पास ये अभी नहीं है, हमारे फ़ोन के ऊपर एक्सेस नहीं है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो शूट करूं और आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पे बड़ा इजी सिस्टम चल रहा है। देखें, छोटी सी शॉप है, कोई बड़ी शॉप नहीं है, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा है और हर बंदा इसी तरीके से इसको पे कर रहा है। ये दिखाने का मकसद इसलिए कि सब ऑनलाइन सिस्टम है, यहाँ पर हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम है। आप पे करें अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं। आप देखें, यहाँ से कुछ भी अमाउंट डाला आपने तो आप कुछ भी पे कर सकते हैं, या 10 रुपये भी रहो या 20 रुपये भी हो, कुछ भी पे कर सकते हैं। ये आपने वहाँ पे स्कैन करना है इसको, बस स्कैन करना है। वो आपका बैंक से लिंक होता है, वो तो एक बार आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है ना, तो यहाँ से आप कुछ भी पे कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया और छोटे लोग से रखे बड़े लोगों को सबको बहुत आसान है। सब लोग कैश नहीं लेके जा रहे हैं तो आप आराम से आके मोबाइल पे पैसा छोड़ दिया है तो आप मोबाइल से कुछ भी, आप 5 रुपये मतलब ऑटो को भी पैसा देना है, चेंज नहीं है तो आप इससे पे कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे दुकान से रखे, नारियल का दुकान से रखे, पूरा दुकान तक आप कहीं भी होटल में भी जाओ, पैसा रोड में जाओ, वहीं भी ये पे कर सकते हैं। छोटी दुकान में भी हाँ, कुछ भी मतलब रोड में भी जो दुकान है ना उनके पास भी आप जाएंगे तो ये आराम से पे कर। ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये सारी शॉप्स हैं। आप ये देखें, ये किसी बड़े बाज़ार के अंदर नहीं, एक मेन आम सा रोड है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रोड्स होते हैं, साइड पे दुकानें होती हैं, करियाना स्टोर्स होते हैं, तो ये इस किस्म के करियाना स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं। ये निम्को शॉप है, लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है, फ़ोन पे आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। हालाँकि ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखेंगे कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं वो तो डेफिनेटली इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा, लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में, कि जो रेडी हैं, छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। और इस सिस्टम के ज़रिए बड़ा इजीली आप फ़ोन स्कैन करें, जैसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया कि फ़ोन आप यहाँ पे रखें और जितनी अमाउंट आपने पे करनी है आप इनको पे करें और अपने घर को जाएं। ये पाकिस्तानी का हैरान होना तो बनता है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया भी ये आसानी से पे करते। ये देखें जी, ये एक रेडी है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दी हैं कि बड़ी दुकानों में भी है, छोटी दुकानों पर भी। ये देखें, एक छोटी सी रेडी है, ये चाय है, ये एक्स पड़े हुए हैं और ये पेटीएम है। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है, ऑल ओवर द इंडिया ये सिस्टम चल पड़ा है। और जो यहाँ पर दोस्त हैं वो बताते हैं कि अब ये सिस्टम मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कैश जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंडिया से, हर बंदा पे करेगा। अब आप ये देखें, ये एक छोटी सी रेडी है, ये रेडी है छोटी सी, बड़ा इम्प्रेसिव। मैंने आपको ये डिजिटल जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसके बारे में मैं रोज़ सोच रहा था कि चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था और हर दुकान पे जहाँ मैं जाता था तो वहाँ पे ये मुझे फैसिलिटी नज़र आती थी। हर रेडी के ऊपर ये आपको फैसिलिटी नज़र आएगी, हर शॉप के ऊपर आपको ये फैसिलिटी नज़र आएगी। ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा ईजी सिस्टम है, इसमें आप टैक्स ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं, किसी किस्म का कोई हर्डल आपको नहीं होता। ये इंडिया के अंदर अहमदाबाद में भी मैंने ये सिस्टम देखा, फिर बेंगलोर में ये सिस्टम देखा, फिर चेन्नई यहाँ पर मैं आया, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर आप तक बना के पहुँचाऊँगा कि आपको पता लगे कि
कि ऑनलाइन सिस्टम या दूसरे मुल्कों में हमने देखा है फाइव स्टार होटल्स के अंदर होता है, फाइव स्टार बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ऐसी शॉप्स के ऊपर इस किस्म का ऑनलाइन सिस्टम आपको बहुत कम नज़र आएगा। ये मेरे आप पीछे देखें, बस आपको सिर्फ यहाँ पे स्कैन करना है और आपने पे करना है, 5 रुपये पे करें, 10 रुपये पे करें, 15 रुपये पे करें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बड़ा खुश हुआ मैं सिस्टम देख के कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फ़ोन एंड पे। अब्बास शबीर को चेन्नई से इजाज़त दीजिएगा। सीरियसली बताऊं तो ये वीडियो देखने के बाद में मुझे दिल से खुश हुई, अंदर से खुश हुई कि बंदे ने हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान की बुराइयां नहीं खोजी है, हिंदुस्तान में जो चीजें अच्छी है अच्छी चीजें अपनी पाकिस्तानी आवाम को दिखाई है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि देखिए बेसिकली क्या है ना, ये वीडियो तो आपने पूरी की पूरी देख ली और इससे जो है एक प्रोस्पेक्टिव क्लियर होता है इंडिया को लेकर कि इंडिया जो है डिजिटाइजेशन है, इंडिया डिजिटल हो चुका है और इंडिया में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे लोग मतलब कह सकते हैं कि आम जिंदगी में यूज करते हैं। और UPI सिस्टम 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2023 चल रहा है, तो 2016 से लेकर 2023 तक UPI बहुत ज़्यादा पूरे ऑल ओवर द इंडिया कह सकते हैं एक्सपैंड हो चुका है और हम लोग इतना इस चीज़ को मतलब इतना नोटिस नहीं करते क्योंकि ये हमारे मतलब यूज टू हो चुका है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज टू है। हम दूध लेने जाते हैं, हम सुबह कुछ भी लेने जाते हैं, हम जैसे यहाँ पे अगर आप बच्चों के लिए कुछ लेने जा रहे हैं, कॉपी बुक्स किताब कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो मतलब लगभग 95% लोग UPI सिस्टम का यूज करते हैं। इंडिया में ऐसा ही है, आप बसों में जाइए, आप ट्रेन में जाइए, आप अब तो आप ट्रेनों में भी जाइए तो आपकी टिकट भी UPI से होने लग गए हैं। ऑनलाइन टिकटिंग तो पहले होती ही थी, तो अब क्या UPI से भी पे कर लेते हैं। अब कैश काउंटर पे जो कैश काउंटर होता है वहाँ पे भी ऑनलाइन ही चलता है, हालांकि वो कैश काउंटर लिखा होता है। तो इंडिया में क्या है, UPI सिस्टम का यूज़ बहुत जोरों शोरों से हुआ, डिजिटाइजेशन हुआ और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के डिजिटल इंडिया के कारण हुआ। उसके बाद जो है अब ये UPI सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस सिस्टम को यूज करने वाली हैं, तो क्योंकि ये सिस्टम इतना अच्छा लगा लोगों को। और एक चीज़ क्या है, इससे करप्शन नहीं होता क्योंकि बैंक टू बैंक चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, तो कोई करप्शन वाली चीज़ ही नहीं हो पाती, तो करप्शन इससे कम होता है और आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ता और ट्रांसफ़र जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, ज़्यादा पैसे आप लेके ट्रेवल नहीं करना पड़ता, तो आप सेफ रहते हैं इस चीज़ से लेकर। तो सारा का सारा जो है बैंक है आपके मोबाइल के एक कह सकते हैं UPI सिस्टम पर आ चुका है। तो ये इंडिया में काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब जब पाकिस्तान से कोई पत्रकार या कोई रिपोर्टर, स्पोर्ट रिपोर्टर हो या जो भी हो, अगर वो इंडिया आते हैं तो उनके लिए शॉकिंग होना लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान मुझे लगता है अभी डिजिटल इतना ज़्यादा डिजिटल नहीं हुआ है और पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन नहीं है। और हमारे यहाँ तो ऐसी हालत है कि जो रोड के किनारे कह सकते हैं जो मोची होते हैं, जो जैसे आप पे जूते फट जाएं, आप पे कुछ फट जाएं, वो सिलवाने के लिए आप ले जाते हैं, तो वो भी यहाँ तक कि UPI सिस्टम यूज करते हैं। तो आप सब्जी बेचने वाले से लेके हर चीज़ यहाँ पे UPI सिस्टम बहुत चलता है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है, तो इसमें हमारे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं। लेकिन हाँ, दूसरे कंट्री के लिए शॉकिंग हो सकता है क्योंकि कुछ लोग इंडिया को सोचते हैं कि इंडिया ऐसा है वैसा है वैसा, लेकिन इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें, इंडिया के लोगों को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं और डिजिटलाइजेशन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको अगर ये वीडियो देख के आपको लगा होगा कि इन्होंने जो है अपनी जो इनकी पर्सनल फीलिंग थी, जब आए तो कई सारी दुकानों पे गए, कई जगहों पे गए, तो हर जगह उनको यही दिखा, चेन्नई हुआ, बैंगलोर हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये वीडियो बना के दिखानी चाहिए अपने लोगों को, तो उन्होंने इस वजह से ये वीडियो बनाई। और इन्होंने सबसे बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने देखो, लोग आते हैं तो बताते हैं कि यार वहाँ पे ये बुराइयाँ थी, यहाँ पे ये कमियाँ थी, लेकिन इन्होंने एक बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे, इन्होंने जो एक अच्छा पार्ट है इंडिया का कि देखो आप बुराइयाँ 10 होती हैं तो उसमें 10 अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो उन्होंने अच्छाइयों को सेलेक्ट करके लोगों को दिखाया। तो इससे क्या होता है, सामने वाले लोग भी मोटिवेट होते हैं, नई नई चीज़ें करने की सोचते हैं। तो आपको कैसा लगा इनका पूरा का पूरा वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से हैं या अदर कंट्री से हैं, आपकी क्या राय है UPI सिस्टम को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।